सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। शाहजहांपुर की लड़की जो पिछले 4 दिनों से गायब थी, उसका लोकेशन दिल्ली में मिला है। उसने दिल्ली से अपनी माँ को फ़ोन किया। फ़ोन पर उसने बातचीत की और कहा कि माँ, जब कभी भी फिर मौका मिलता है तो मैं आपको कॉल करती हूँ। यह बातचीत पुलिस ने रिकॉर्ड की है और जहाँ से लड़की ने फ़ोन किया था, वहाँ जो CCTV लगा हुआ था, उस CCTV में लड़की का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। यानी वो दिख रही है कि वो द्वारका में है दिल्ली के, और वहाँ से उसने अपनी माँ को फ़ोन किया है। लड़की के साथ एक लड़का भी है और कहा यह जा रहा है कि माँ को फ़ोन करने से पहले वो दिल्ली में ही ठहरी हुई थी। द्वारका में एक होटल है, होटल गोल्डन पैलेस, गोल्डन पैलेस में रुकी और उसके साथ एक लड़का है। बहुत मुमकिन है कि वो लड़का उसके साथ लॉ की पढ़ाई करता रहा हो। ये लड़की जो पिछले 4 दिनों से गायब है, ये चर्चा में इसलिए है, मीडिया में इसका जिक्र बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लड़की ने एक वीडियो पोस्ट किया था आज से 4 रोज़ पहले। उस वीडियो में उसने रो रो करके अपनी आपबीती बताई थी और कहा था कि मेरी ज़िंदगी एक स्वामी ने तबाह कर दी है। और वो शाहजहांपुर का बहुत ताकतवर आदमी है, उसके पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं। वो कहता है कि प्रशासन पुलिस मेरी जेब में रहते हैं, सरकार मेरे साथ चलती है, और उसने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरी तरह की बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। जिस तरीके की शिकायत उस लड़की ने की, उस शिकायत के ज़रिए उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की कि उसकी मदद की जाए, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में पड़ताल हो और उसको इंसाफ मिले। लेकिन उसके बाद से लड़की गायब हो गई, लापता हो गई, उसका फ़ोन बंद हो गया। फिर यह आरोप सीधे सीधे चिन्मयानंद पर, चूँकि जो भी उसने बात वीडियो में कही थी वो सब कुछ कमोबेश चिन्मयानंद से मिलता जुलता सा था। उन्हीं का कॉलेज है जिस कॉलेज में वो लॉ की पढ़ाई करती थी, उसी कॉलेज का वो हॉस्टल था जिस हॉस्टल में वो रहती थी। और फिर उसने जो कुछ भी कहा वो सारी बातें कमोबेश चिन्मयानंद से मिलती जुलती रही हैं। चिन्मयानंद जो वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री थे और ताकतवर नेता भी हैं, वहाँ के तथाकथित संत भी हैं, लेकिन चिन्मयानंद पर पहले भी बहुत संगीन और गंभीर आरोप लग चुके हैं। बहुत सारे मामलों का सामना वो कर रहे हैं। इस लड़की के सामने आने के बाद यह बात तो साफ हो जाती है कि लड़की जिंदा है, सलामत है, लेकिन उसका जो आरोप है वो आरोप दरकिनार नहीं होता है। उसके उस आरोप से, उस वीडियो से जो सवाल खड़ा होता है, उस सवाल के दायरे से चिन्मयानंद बाहर नहीं जाते हैं। चिन्मयानंद आज भी उस लड़की के उस बड़े सवाल के सामने खड़े हैं जिसमें वो कह रही है कि मेरी ज़िंदगी तबाह जिस आदमी ने की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो बहुत ताकतवर है, धमकी देता है कि मैं तुम्हारे ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगा। यानी कि यहाँ से सिर्फ एक ही बात है कि लड़की जिंदा है, दिल्ली में है, अभी तक पुलिस उसके पास नहीं पहुँच पाई है, लेकिन पुलिस दबिश दे रही है। उसका ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड पुलिस के पास है। फिर भी अगर वो पुलिस के पास, पुलिस उसको बरामद कर लेती है, वो घर पहुंच जाती है, तब भी उसकी जो शिकायत है, जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ पड़ा था, वो वीडियो अपने आप में एक गंभीर मामला बनता है और देश को एक ताकतवर तथाकथित संत और पूर्व मंत्री या नेता पर एक गंभीर सवाल, संगीन सवाल खड़ा करता है। जांच होनी चाहिए और जांच में उस लड़की की तबाही का कसूरवार जो भी आदमी है वो सलाखों के पीछे जाना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मामला सिर्फ बस आधा साफ हुआ है कि लड़की जिंदा है, वो गायब है तो वो भागी हुई है। वो डर से भाग सकती है, अपनी जान बचाने की खातिर भाग सकती है। जो लड़ाई उसने शुरू की है उस लड़ाई में बने रहने के लिए और उस आदमी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए भाग सकती है, लेकिन उसका भागना या उसके भागते समय का वीडियो ऑडियो सामने आ जाना उसके पूरे मामले को रफा दफा नहीं करता है। वो जो सवाल है, वो जो आरोप है, जिस तरफ उंगली उठ रही है, जिस आदमी पर यह इल्ज़ाम लग रहा है, सब कुछ हूबहू 100% वहीं खड़ा है। बस यह है कि लड़की घर कब पहुंचती है, पुलिस लड़की तक कब पहुंचती है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।